जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ सचिन चौधरी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सचिन चौधरी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए बताया कि इस सरकार ने काफी अन्य योजनाएं गरीब और असहाय लोगों को लाभार्थी देने के लिए बनाई है, जिसका इन गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये गरीब लोग दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। कुछ भ्रष्ट कर्मचारी व सरकारी अधिकारियों के कारण इन गरीब लोगों को इन योजनाओं से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे सचिन चौधरी ने योजनाओं को गिनाते हुए बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना घपला हो रहा है। गरीब लोगों से पहले तो रिश्वत ली जा रही है, फिर उनको ठेकेदार बेवकूफ बनाकर सारा पैसा हड़प लेता है और उल्टा सीधा घर बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। बैठे हैं ये किस ये बैठे आज शौचालय लोगों के नहीं बनाए गए हैं। हमारी लोकसभा में ODF कर दिया गया है जिला, और ODF करने के बाद भी हमारे यहाँ पर शौचालय जो है 20,000 लोगों से ज्यादा के शौचालय नहीं बने हैं। उसका जो रिकॉर्ड है सारा हमने DM ऑफिस के यहाँ जमा कर दिया है, ज्ञापन दिया है 2 बार उसके रिकॉर्ड के साथ। उसके अलावा गांवों से जितने भी शौचालय बने हैं उन सबसे पैसे लिए गए हैं शौचालय बनाने के। पहली मांग मेरी ये है कि इन सबके शौचालय बनाए जाएं बिना रिश्वत लिए। दूसरी मांग ये है कि जिनके शौचालय जो खराब बना दिए हैं इन्होंने जल्दबाजी में अपना टारगेट पूरा करने के लिए, वो सही से बनाएं, क्योंकि घर में गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। सुबह व्यक्ति सोच जाता है, छोटे छोटे घर हैं, उन्हीं घर में पूरे दिन बदबू रहती है, बीमारी फैलती है। तो एक तो वो उनको शौचालय द्वारा ठीक करा जाए। तीसरा मेरी मांग ये है कि सबके जो भी पैसे लिए गए हैं शौचालय बनाने के नाम पर, एक भी शौचालय पूरी लोकसभा में ऐसा नहीं बनाया गया जिससे 2,000 से लेके 5,000 रुपए नहीं लिए गए, वो तुरंत वापस किए जाएं, मेरी ये मांग है। इसलिए हमने आज भूख हड़ताल शुरू की है और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी, ये सारी मांगे तब तक नहीं मांगी जाएं। समर इंडिया के लिए अमरोहा से फहीम अहमद की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज जिला चिकित्सालय के क्षेत्र में स्वच्छ अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राम विकास ने स्वयं फावड़ा लेकर स्वच्छता मिशन का संदेश देते हुए बताया, व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे उसे अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सफाई करते हुए किसी भी बात से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। हम अपने भारत को स्वच्छ रखें और मोदी जी के सपने को साकार बनाएं। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सक डॉक्टर राम निवास, डॉक्टर विनय भार्गव, डॉक्टर मेघ सिंह, फॉर्मेस्ट ओम जग बहादुर, प्रदीप पाल कुमार के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। समर इंडिया के लिए अमरोहा से फहीम अहमद की रिपोर्ट। कहावत है न वक्त जो ना करवाए कम है, आज ऐसा ही कुछ पीलीभीत में देखने को मिला, जहां वक्त पर मंजिल पहुंचने के चक्कर में चंद लोग एम्बुलेंस पर सवार हो गए। एम्बुलेंस चालक ने भी लापरवाही बरतते हुए एम्बुलेंस पीलीभीत पूरनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ा दी और देखते ही देखते एम्बुलेंस एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। घटना गजरवाला थाना क्षेत्र के कस्बा गजरवाला की है। बताया जा रहा है कि इको एम्बुलेंस नंबर UP26T2326 लेकर चालक रमेश पीलीभीत से पूरनपुर जा रहा था कि रास्ते में शहर के आसाम चौराहे पर उसे कुछ पूरनपुर जाने वाली सवारियां मिली, जिन्हें उसने बैठा लिया और पूरनपुर की ओर चलने लगा। जैसे ही एम्बुलेंस गजरवाला थाने के निकट पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक संख्या UP33AT6781 जो कि पूरनपुर से पीलीभीत की ओर आ रहा था में एम्बुलेंस जा घुसी, जिससे एम्बुलेंस में बैठे राजेंद्र, प्रदीप, छोटेलाल, संतोष, सरवन, खुर्शीद व ड्राइवर रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पा रही है। एक्चुअली कोहरा था, तो कोहरे में उसे गाड़ी हल्के चला रही थी, स्लो मोशन में चला रही थी। मैंने उसे बोला भी था, एक कोहरा है यार, आराम से चलो, देर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, सब सवारी भरी गई थी। हाँ, उसने सब सारे एक्चुअली कहीं से आ रहा था बरेली से, उस चौराहे पे था एक्चुअली, सब ऑन ड्यूटी टाइम पे पहुँचना चाहते हैं, तो वो वहाँ खड़ा हो गया। समर इंडिया के लिए पीलीभीत से मनोज सोनकर की रिपोर्ट।
सब्सक्राइब करें हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।